मेरे रांझना। कौन बात कर रहा है? मैं हार गई, मैं हार गई बेटा, मैं हार गई। आप बात कौन कर रही हैं? सलमान को सब कुछ पता था। रुखसाना आंटी, हाँ बेटा, मुझे माफ कर दो। आंटी, सलमान को सब कुछ आपने बताया? वो सब जानता था। समरा शाजिया बन के सलमान से बात करती रही, उसने तुम्हारी एक एक बात उसे बता दी। लेकिन समरा ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वो समरा की हकीकत जान गया था। वो उसे ब्लैकमेल करता था, उसे पैसों का तकाजा करता था और उसे तंग करता था, और वो उसकी बातों में आके तुम्हारी बातें करती रही। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो, यही हकीकत है। क्या हुआ शाजिया, किससे बात कर रही थी? कौन था फोन पे? सलमान जानता है हमारे बारे में सब कुछ? जान क्या? क्या मतलब? इसीलिए ना, पता नहीं तुम्हारे अब्बू को क्या सूझी। कम से कम शाजिया, तुम तो अकल से काम लेती। सब बता दिया ना तुमने उसे? सब कुछ आंटी ने नहीं, समरा ने बताया। झूठ बोल दिया ये औरत। आपको समझ नहीं आ रहा, सलमान को जेवर किसने दिए और क्यों? अब क्या होगा? इससे पहले कि मुसीबत नामी हो, हमें अपनी जानें ले लेनी चाहिए, ये घर ये मोहल्ला छोड़ देना चाहिए। अरे वाह, चाय। बेटा तुम अमजद को भी जगा दो। मैं जगाती। कभी सोच भी नहीं सकता था कि हमें वो घर बेचना पड़ेगा जिसमें मेरे माँ बाप की यादें बसती थी। मगर क्या करें, हालात ही ऐसे हो गए थे। दिल बुरा क्यों करते हैं खावर? अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। देखे ना, हमारा वो वाला घर कितनी अच्छी कीमत में बिक गया और उसने हमें ये प्यारा सा घर दे दिया। जगा दिया मैंने अमजद को। अच्छा मुझे बताओ बेटा, तुमने कितने बजे जाना ऑफिस? 9 बजे पहुंचना था। अरे तो बेटा, तुम्हारा ऑफिस मेरे ऑफिस के रास्ते में पड़ता है, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, परेशान मत हो। नहीं अब्बू, आपकी और मेरी टाइमिंग्स में फर्क है, मैं आपको अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहती। मैं बस से चली जाऊंगी। भाई वाह, ऐसा लग रहा है दो अनजान लोग पहली बार एक दूसरे से बात कर रहे हैं।
इतना तकल्लुफ। मेरी बेटी का आज ऑफिस में पहला दिन है, मैं नहीं चाहता कि इसे कोई परेशानी हो। तो एक काम करते हैं ना, आज आप इसे छोड़ दीजिए, कल से ये खुद चली जाया करेगी। क्यों भाई, आपसे कोई जीत सकता है? चलिए मैं बैग लेकर आती हूँ। मम्मी को नाश्ता दे दिया? हाँ कर लिया है, अब तुम भी जल्दी से कर लो। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मुझे नौकरी पर जाना हो। वो भी तुम एक ना एक दिन जाना शुरू कर ही दोगे। बस यार अच्छी नौकरी मिल जाए। खालू ने तो तुम्हारी नौकरी के लिए बात की थी, मगर तुम भूली नहीं उन लोगों को? मैं नौकरी की बात कर रही हूँ। घर ठीक चल तो रहा है समरा, फिर क्या मसला है? असवर तुम्हें बार बार अम्मी के आगे हाथ फैलाते हुए जरा बुरा नहीं लगता? यार मैं तंग आ गया हूँ रोज रोज की इन बातों से। तंग आ गए हो मगर एहसास नहीं हो रहा। अब कर लूँ मैं नाश्ता? तो कर लो, मैंने कौन सा मना किया है? जबान तो चला रही हो ना मेरे सामने। तुम मुझे जॉब करने की इजाजत दे दो। क्या कहा तुमने, जॉब करनी है? अगर घर की जिम्मेदारी तुम नहीं उठाओगे किसी को तो उठानी पड़ेगी। कि फजूल की बातें मेरे सामने मत किया कर। असफर जिसे भगा कर लाई आज उसी से भाग रहे हो? अम्मी ये तंज करना जरूरी था? तंज नहीं कर रही हूं, हकीकत बयान कर रही हूं। बस कर दे प्लीज, कब तक हकीकत बताती रहेंगी? मैं तंग आ गया हूं आप लोगों की बातों से। यार जिस औरत की वजह से इस घर की खुशियां तबाह हुई है ना, उसी के पास इसका हल है। ये अल्लाह के काम है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है भाई। क्यों, डॉक्टर के पास जाना तुम्हारे बस में नहीं है? इन सब चीजों में पैसे लगते हैं, दिए आपने मुझे। नाश्ता कर लो, अब कुछ नहीं कहूंगी। नहीं है मेरे पास पैसे, जो थे वो कर चुके। जैसे भागकर शादी की थी ना वैसे भागकर पैसों का भी बंदोबस्त कर लो। तुम अंदर आ रहे हो कि नहीं? मेरे बेटे को आंख दिखाने से बेहतर है कि जल्दी खुशखबरी सुनाओ, वरना ऐसे ही सुनाती रहूंगी मैं। मैं क्या चाहती हैं आप? बता चुकी हूं मैं, कमेंट प्लीज। यस मिस शाजिया। सर वो आपने कहा था ना कि असगर साहब को ईमेल करनी है। जी तो कर दी आपने ईमेल? जी मैंने उसी वक्त कर दी थी, पर सर उनकी कॉल आई थी, वो बहुत गुस्से में थे। किस बात पर? वो सर वो कह रहे हैं कि मैंने उन्हें गलत फाइल ईमेल की है, जबकि मैंने तो उसी फोल्डर से की थी जो आपने मुझे।
आप ऐसा करें, आप ये सब बातें जाके एनी को बताएं। मुमकिन है कि आपने बात ठीक से समझी ना हो और इसीलिए ये सब हुआ। सॉरी सर। और हाँ मिस शाजिया, एक और बात, आइंदा से मैं आपसे जो कुछ भी कहूं वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वरना ये सब कुछ होता रहेगा। आपकी पहली जॉब है इसलिए समझा रहा हूं। सॉरी सर, दोबारा ऐसा नहीं होगा। क्या सोच रहा है यार? बस सोच रहा हूँ कि तूने पहली मरतबा मुझसे पैसे मांगे हैं तो इनकार कैसे करो? कैसी बातें कर रहा है? सोच रहा हूँ कि पूरे कैसे करूंगा। अच्छा, फिलहाल कितने दे सकता है? तीन। बस तीन? तीन में तो टेस्ट भी मुकम्मल नहीं होंगे। टेस्ट? कैसे टेस्ट? अब वो तू छोड़। अच्छा अब ठीक है, तू मुझे तीन दे दे, बाकी का इंतजाम मैं कहीं और से कर लूंगा। अच्छा ठीक है, अब अगर तू कल तक रुक जाए तो मैं कुछ बंदोबस्त कर देता हूँ। यार आदिल, कल फिर आऊंगा मैं, तो कह रहा हूँ ना तीन दे दे। अरे कौन कहता है कि तू आ, मैं आ जाऊंगा तेरे घर पर, इसी बहाने अम्मी से ही मुलाकात हो जाएगी। हाँ ये भी ठीक है, लेकिन तू अम्मी से इस बारे में कुछ जिक्र नहीं करे। अरे यार तू फिकर मत कर, बेफिकर है। और ये बता कि समरा मेरी भाभी जैसी बहन कैसी है? खाली बहन बोलने से ना कुछ नहीं होता। मैं समझा नहीं। तुझे अंदाजा है कि तेरी बहन किस हाल में? क्यों, क्या हो गया? यार बस मम्मी ने ना उसकी जिंदगी अजाब कर रखी है। देख ठीक है, मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि, खैर तू छोड़ इन बातों को यार। फिक्र मत कर, मैं कल आ जाऊं तो बात करता हूँ। हाँ यार, हमारी तरफ से ना मम्मी का दिल साफ करने की कोशिश करना, ताकि हमारी जिंदगी में भी सुकून आए। चल कोई बात नहीं, कल देखते हैं, सोचते हैं इस पर। बेफिक्र हो जाओ, यही तो मैं चाहता था कि तुम मुझे अपने घर बुलाओ। समरा, तुमने गधे को मजबूरी में बाप बनाया था ना, आप देखना ये गधा तेरे साथ क्या खेल खेलता है। लेकिन अरेंज तो हो जाएंगे ना, वैसे तो मसला तो नहीं होगा। हाँ तू फिक्र मत कर, हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू यार। मिस शाजिया। सर आप? आप यहां क्या कर रही हैं? क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? एक तो आप सवाल बहुत करती हैं। सॉरी सर, वो मैं घर जा रही थी। आए बैठे, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं सर, इट्स ओके, मैं बस से चली जाऊंगी। ये बस स्टॉप नहीं है।
नहीं है। आए बैठे। आइए प्लीज। आपने खामखा जहमत की सर, मैं चली जाती। असगर साहब को अपने गलत ईमेल मैंने कुछ कहा? नहीं सर। क्योंकि आपका पहला दिन था और वहां पर भी आप गलत खड़ी थी, आइंदा आप ये गलती भी नहीं दोहराएंगी। सर हो सकता है कि आपका ख्याल गलत साबित हो। मतलब ये कि गलती एक बार हो तो गलती कहलाती है। हाँ तो, लेकिन अगर वही गलती दोबारा हो ना तो उसे बेवकूफी कहते हैं। और सर मैं हूँ बेवकूफ। किसने कहा आपसे कि आप बेवकूफ हैं? मेरी अम्मी कहती हैं, हर वक्त कहती हैं, शाजिया तुम बहुत बेवकूफ हो। बेवकूफ लोग अक्सर मासूम होते हैं और मासूमियत लोगों को बेवकूफी लगती है। आप मासूम हैं, बेवकूफ नहीं। घर कहाँ हैं आप? घर नहीं सर, आप बस मुझे बस स्टॉप तक ड्रॉप कर दें, मैं चली जाऊंगी। घर का पूछने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि मैं आपको घर तक ड्रॉप करूंगा। ओह सॉरी, मुझे लगा कि आप। हाँ हुआ सर। स्टाफ का पिक एंड ड्रॉप कंपनी की जानिब से है, आप शायद ये बात भी भूल गई थी। मैं तो वाकई भूल गई थी। गलती दोहराने पर आपकी मासूमियत समझूंगा, बेवकूफी नहीं। थैंक यू सर। यू वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है, आज पहला दिन था और फिर भी इतनी देर से आई हो। पहला दिन था ना, बेवकूफियों से भरा हुआ था, बस मत पूछे। क्यों भाई, ऐसा भी क्या कर दिया मेरी बेटी ने? अम्मी अगर हमजा सर नहीं होते ना तो मुझे इतनी बातें सुनने को मिलती ना कि आपकी सोच है, बस कहा है ना मत पूछे। अरे ये क्या मत पूछे की रट लगाई हुई है। अच्छा छोड़े ना, मुझे इतनी भूख लगी हुई है ना, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दे, फिर मैं आपको बैठ के सारी बातें बताऊं। और खाने में तो भी थोड़ा सा टाइम है। क्यों, मेरे लिए कुछ बना के नहीं रखा, इतनी भूख लगी हुई है अम्मी। अरे क्या ऐसे क्या देख रही है? ये देख रही हूँ कि आज कितने अरसे के बाद मेरी बेटी यूं चहक रही है। क्योंकि मैं अपना वादा निभा रही हूँ अम्मी, और आप अपना वादा तोड़ रही हैं। प्लीज अम्मी मत याद दिलाएं मुझे वो बातें जो मैं नहीं याद करना चाहती, भूल जाना चाहती हूँ मैं सब कुछ। अच्छा ना, गलती हो गई बेटा। जानती हूँ मम्मी आसान नहीं है, पर क्या फायदा उन बातों को याद करने से जिन्हें याद करके सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा ना बाबा, कह तो रही हूँ
कि गलती होगी, दोबारा नहीं कहूंगी। अच्छा मुझे ये बताओ आज पहला दिन कैसा गुजरा मेरी बेटी का? ठीक है, छोड़ दिया, बहुत अच्छा रहा, अल्लाह का शुक्र है। और ये हमजा सर कौन? बॉस है मेरे, वो बहुत अच्छे इंसान है। शाजिया तुम्हें तो दुनिया का हर इंसान अच्छा इंसान लगता है। सही है। अब खाना दे दें। कुछ देती हो तुम्हें। चल। करने देना मुझे साफ। कौन सी हो? सलमान ने मोहल्ले वालों को उकसाया था। उसने झूठ बोला था कि मैं बदला लेके रहूंगा मैं सलमान से। चल बस कर दे। मैं आपकी कसम खा के कहता हूं अगर मैंने उसको नहीं मारा ना तो मैं खुद को मार लूंगा। क्या खबर क्या कह रही है? तमाशा बन चुकी। इज्जत नीलाम हो गई। ऐसे भी जी के क्या करेंगे अब? सब खत्म हो गया। अब मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर देना। अब्बू, 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 अब्जान, अब्जान,
क्या हुआ? अरे अबू, तुम क्या दरवाजा खोलो? अबू क्या कर रहे हो? चुप हो, चुप हो। मेरे खुदा के लिए, अबू ऐसा क्या कर रहे हो? अरे ये बेटे, ये बेटे। अबू ये क्या कर रहे थे आप? जवाब दें, क्या कर रहे थे आप? तो मुझे भी नहीं जीना चाहता, मुझे मर जाने दो। अबू नहीं, ऐसा मत कहे। काश मैंने तुम्हारी बात पे यकीन कर लिया होता, मान ली होती तुम्हारी बात। बस करे, छोड़ दे उस बात को, जाने दे, बुला दे उसे, जाने दे अबू। खबर क्यों कर रहे हैं आप ये सब हमारे साथ? आपसे ही तो हमारी दुनिया, आपसे ही तो हमारी खुशी है। खुदा ना खास्ता अगर आपको कैसे जीते हम इस दुनिया में? कौन होता हमारा अबू? बोले, जवाब दे। हम यहां नहीं रहेंगे। यहां नहीं रहेंगे खावर, हम यहां नहीं रहेंगे। आप लोग यही चाहते हैं ना कि मैं दुखी ना रहूं? बस मेरा आप लोगों से वादा, आज के बाद मैं कभी भी माजी के बारे में नहीं सोचूंगी। पर आपको भी मुझसे वादा करना होगा, आप लोग भी अब माजी को नहीं दोहराएंगे, चले जाएंगे हम यहां से, एक नई शुरुआत करेंगे और हम माजी की हर बुरी बात को भुला देंगे, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। ठीक है ना अबू? बोले ना अबू, वादा करे मुझसे, बोले ना अबू, वादा करे मुझसे। शाजिया बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। बेटा मैं वादा करती हूँ तुमसे, मैं माजी की कोई बात नहीं करूंगी, एक लफ्ज़ भी जुबान में नहीं लेकर आऊंगी। वादा तोड़ दिया ना तुमने? हाँ, नहीं वो मैं ऑफिस के लिए कपड़े निकाल रही थी, तो कैसे ये कमीज सामने? इस कमीज को अलमारी में किसने रखा? पता नहीं, ला दो। आप क्या करेंगी इसके साथ? जब सारी यादें जला दी है माजी की, तो इस कमीज को भी जला दो। जला दे।
कहूं तुमसे? कहे? हम सब तो हिम्मत हार चुके थे, आखिर उस दिन तुम हिम्मत ना करती तो आज ये ख्वाब जैसी जिंदगी कुछ भी ना होता, बल्कि हम सब में से शायद कोई भी जिंदा ना बचते। ये जो जिंदगी है ये सिर्फ तुम्हारी बदौलत। छोड़े ना अम्मी, भूल जाए सारी बातें, भूल जाए सारी यादें जिन्हें हम जला चुके हैं। तुम तो सब कुछ जला चुकी, लेकिन मैं क्या करूं? यादों की राख जो मेरे सीने में गहरी सांस लेने में उड़ना शुरू कर देती। तो क्यों लेती है गहरी सांसें? बहुत कोशिश करती हूं कि गहरी सांस ना लूं, पर क्या करूं? समरा याद आती है ना, नहीं बोलू याद आती, लेकिन मेरा यकीन करो, मेरी दुआओं में नहीं। तो बस दुआओं में भी मत याद किया करे अम्मी, ये हक भी नहीं रखती। याद आनी बंद हो जाएगी। शायद तुम ठीक ही कहती हो, याद आना बंद कर देगी। तुम्हारी अम्मी का ये मसला खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा? पीछे पड़ गई है वो मेरे। हम जा रहे हैं ना डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाके भी उनको सुकून नहीं मिलेगा, ये बात मैं तुम्हें लिख के दे सकती हूँ। बस करो, तुम तो बकबक करके घर से निकल जाते हो, पीछे वो मेरे पड़ती है, तुम्हें क्या अंदाजा? सम्रा कह रहा हूँ ना, बस करो। मैं घर आया हूँ, आते ही शुरू हो गई। शोहर से पहले पूछ लो उसको कुछ चाहिए, मगर तुम हो के आवारा गर्दी करके आ रहे हो, काम काज करके आते तो पूछती भी। बस जाकर मेरे लिए खाना लगाओ। और क्या बनाए खाने में? वही बनाए जो रोज बनता है। अगर इस घर में मैंने अपनी नस काट ली ना तो खून की जगह दाल निकलेगी। हर वक्त इस घर में दाल दाल दाल। जी बोलो। मैं मजीद यहाँ काम नहीं कर सकती। क्यों? आप अब भी वजह पूछ रहे हैं? ये सब पहली बार तो नहीं हो रहा ना। मैं अपनी मजबूरियों का सौदा अपनी जान के रिस्क पर नहीं कर सकती। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं कम पैसों में कहीं और काम देख लूंगी। बेगम साहिबा बिल्कुल पागल। खबरदार, इससे आगे एक लफ्ज और मत कहना। जो सच्चाई है मैं तो वही। बस निकल जाओ यहां से।
मैंने जितने दिन काम किया अगर इतने दिनों की मेरी तनख्वाह मिल जाएंगे तुम्हें पैसे पूरी तनख्वाह मिल जाएगी और दफा हो जाओ यहाँ से।